तो हाय गाइस, दिस इज नाशिद और आप सुन रहे हैं नाशिद अनफिल्टर्ड। और विमिल्डन का फर्स्ट डे ख़त्म हो चुका है, बहुत सारे सीड्स आउट हो चुके हैं। नोवाक जोकोविक आउट नहीं हुआ है, लेकिन अलेक्जेंडर ज़वरेव आउट हो गया है। जेरी वेसिली ने उसको हरा दिया है 4 सेट में। और जैसा मैंने प्रिडिक्ट किया था, ये बात मैं बहुत दुखी हूँ कि मैंने प्रिडिक्ट किया था कि अलेक्जेंडर ज़वरेव आउट हो जाएगा, लेकिन जैसा उसका पर्सनल मामला चल रहा है इस वजह से, और उसका आप इंटरव्यू सुनिएगा तो उसमें उसने बताया है कि पर्सनल की वजह से, आई डोंट नो लाइक, लेकिन हमको ऐसा लग रहा था और मैंने प्रिडिक्ट किया था, और मैं काफ़ी मतलब सॉरी फील कर रहा हूँ कि मैंने प्रिडिक्ट किया था। लेकिन और मैंने ये प्रिडिक्ट नहीं किया था कि स्टेफानो तीस्ती पास आउट हो जाएगा, लेकिन वो भी आउट हो गया। थॉमस फाबियानो ने उसको 5 सेट में हरा दिया है। मतलब पहला सेट जीता, दूसरा सेट हारा, तीसरा सेट जीता, चौथा सेट हारा। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि चौथा सेट के बाद स्टेफानो 5th सेट में थोड़ा, मतलब एक ब्रेक के बाद, ब्रेक उसको मिला नहीं था, लेकिन मतलब एक ब्रेक लेने के बाद वो उस मैच में वापस आ जाएगा। और जैसा ऐसा तीसरी पास हमेशा करता है कि 5 सेट में अगर गया तो 5th सेट में काफ़ी अच्छा खेलता है, लेकिन इस मैच में ऐसा हो नहीं पाया। और वो बता रहा था और अपने पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिखा रहा था। बोल रहा था कि पहला बात की जो टॉप 4 टॉप 5 प्लेयर हैं उनके मतलब जो टीम्स हैं वो उतना ज़्यादा भरोसा अपने पे नहीं करते हैं कि वो रॉजर फेडरर या नडाल या जोकोविक को हरा देंगे, लेकिन ये एटीट्यूड उसका उसको काफ़ी आगे ले जाएगा। और वो ऐसा बोल रहा था कि फिलिक्स या कोई भी जो यंग प्लेयर है वो अपने पर भरोसा क्यों नहीं करते हैं, आई डोंट नो। तो और नायोमी ओसाका आउट हो गई, गौरी गॉफ जो वाइल्ड कार्ड जिसको मिला था 15 साल की ओपन एरा में, सबसे छोटी, सबसे कम लड़की, सबसे कम उम्र की लेडीज़ में पहला राउंड जीत गई और वेनस विलियम्स को हराया। और वेनस विलियम्स अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी काफ़ी तारीफ की। और एक शॉर्ट सेकेंड सेट में ऐसा था कि टॉप स्पिन इतना ज़्यादा था गौरी गॉफ की बॉल पे कि वेनस विलियम अपने, मतलब क्या बोलते हैं, जैसे अपने कोच वोच की देखने के देख कर उधर, फिर वो मतलब ऐसा रिएक्शन दे रही थी कि शी इज़ गॉट टैलेंट, शी इज़ गॉट टैलेंट। तो मतलब हार गई। और वेनस विलियम्स, सेरेना विलियम्स के बारे में ये उन्होंने कितने, पहला बात की ब्लैक लड़कियों के लिए इतना ज़्यादा किया है और इतना ज़्यादा भरोसा दिखाया है कि कोई भी ब्लैक प्लेयर, मतलब यहाँ पे मैं रेसिस्ट नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मतलब बुराई भलाई की बात नहीं है, लेकिन कोई भी ब्लैक या कोई भी ज़्यादातर यंग लड़की जब टेनिस खेलती है तो अगर उससे पूछिएगा आप तो बोलेगी कि मतलब वो इंस्पायर हुई है सेरिना और वेनस के लिए। तो उन्होंने टेनिस के लिए काफ़ी कुछ किया है। और गौरी गॉफ ने भी यही बोला कि शी इज़ माई आइडल, और उसको हराने के बाद उसका कुछ मतलब नहीं है, शी इज़ माई आइडल एंड शी इज़ माई आइडल। तो देख लेते हैं लेडीज़ में। और स्विटोलिना 8 सीड थी, वो आ गई है। और सकारी 31 सीड थी, वो भी जीत गई है। पेट्रा मैटिच 3 सेट में जीती। तो मैं अभी बताता हूँ आपको कि कौन, जैसे आउट हो गई आपको ऑस्टेपेंको। ऑस्टेपेंको ऐसा लग रहा है कि वेन एक बार 2017 में एक बार 2017 में फ्रेंच ओपन जीती और उसके बाद से उतना अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पा रही है ग्रैंड स्लैम के लेवल पर। उस वक्त उसकी उम्र 18 साल थी, अभी 21 साल है, तो अभी भी वो यंग है, लेकिन उसको ऐसा देखना होगा। से शू से ऐसे मतलब वो उसे हारी है, लाइक मैजिशियन इन वुमेन्स टेनिस। और उसके बाद से फ्लिपकिंस जो काफ़ी एक तरीके से लेजेंड तो नहीं कह सकते हैं, सेमी फाइनलिस्ट फाइनलिस्ट रह चुकी है बहुत सारे ग्रैंड स्लैम में, लेकिन आप कह सकती हैं कि वो वेटरन है, बहुत दिन से खेल रही है। तो मतलब सेकेंड राउंड में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होगा, फ्लिपकिंस वर्सेस से शू से। प्लिशकोवा भी जीत गई है, हैलिप भी जीत गई है, और अजारेंका भी जीत गई है, और डारिया कासाकीना आउट हो गई है। मैडिसन कीज जीत गई है, मैंने तो अभी बताया ही, गैरी गॉफ ने वेनस विलियम्स को हराया। सैबलेंका ये एक तरीके से शॉकर है, सैबलेंका 10 सीड थी, वो आउट हो गई है। वॉज़नियाकी जीत गई। उसके बाद से आपको सोफिया केनिन जो मतलब क्या बोल सकते हैं आप, कॉलिंस टाइप की
प्लेयर है वो भी जीत गई है, तो उसके और उसके बीच में कॉलिंस का आज मैच है, तो उन दोनों डैनिलीना आई डोंट नो, डैनिलीना कॉलिंस और सोफिया केनिन के बीच में मैच होगा, तो मज़ा आएगा। और उसके बाद से स्वेटेक जो पोलैंड की है और फोर्थ राउंड में इस साल फ्रेंच ओपन में पहुंची है, काफ़ी यंग है, 17-18 साल की है, तो वो उस पर नज़र थी और वो आउट हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि वो काफ़ी सीडेड थी, लेकिन तब भी इट्स अ शॉकर। और उसके बाद से नायोमी ओसाका के बारे में बात कर ही लिया, नहीं बात किया था, तो अभी वो मतलब आई डोंट नो उसका कैसा चल रहा है, लेकिन वो 2 ग्रैंड स्लैम जीतने के बाद, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के बाद, उसने अपने लॉन्ग टाइम कोच से मतलब दूरी बढ़ा ली थी, मतलब छोड़ दिया था, उसके बाद से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। वोंड्रोसोवा जो इस बार फ्रेंच ओपन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म की थी, अभी फाइनलिस्ट थी, वो आउट हो गई। ये यार काफ़ी अच्छा इसका गेम लगता था। लेकिन तो अब देख लेते हैं कि मेंस में नोवाक जोकोविक फिलिप को श्राइबर को 3 सेट में आराम से हरा दिया, उसके बाद से आप दुसान नोवाक जोकोविक का मैच काफ़ी अच्छा और काफ़ी मतलब उसको जैसा टेस्ट चाहिए था वैसा मिला नहीं, ले आराम से उसने फिलिप्स को श्राइबर को हरा दिया है। और उसके बाद से लायोविच का मैच काफ़ी लंबा और अच्छा मैच था, ये वाला मैच देख रहा था, थोड़ा क्या बोल सकते हैं, थोड़ा कंपटिटिव टाइप का मैच था। तो और उसके बाद से फेलिक्स ओजे अलियासिम जीत गया है आपको 4 सेट में। फेलिक्स ओजे अलियासिम जीत गया है, मतलब यंग सबसे ज़्यादा यंग वो भी है, मेंस ड्रॉ में सबसे ज़्यादा यंग है। दिमित्रोव हार गया है, तो इसके बारे में आप कुछ बात नहीं करना है यार। और उसके बाद से गेल मॉर्फिस हार गया है, तो ऐसा ही उम्मीद कर रहे थे कि गेल मॉर्फिस, मैंने इधर से आपको मतलब अभी तो 16 का आप देख रहे हैं ना, तो इसमें मैंने रखा था फेलिक्स और नोवाक जोकोविक को 4th राउंड में, तो अभी तक तो मेरा ये वाले क्वार्टर में प्रिडिक्शन सही है, ये दोनों आउट नहीं हुए हैं। उसके बाद से डैनियल मेडवेडेव जीत गया आराम से मैच, बूस्टा हार गया पॉपरिन से, तो पॉपरिन के लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। शार्डी जीत गया, डेविड गोफैन, एडमंड फर्नांडो वडास्को, कैरलोविच और फाबियानो, तो ये वाला थॉमस फाबियानो स्टेफानोस तीस्तीपास को कैसे हरा दिया हमको नहीं समझ में आ रहा यार। तो इसमें मैंने रखा था तीस्तीपास वर्सेस डेविड गोफैन, तो तीस्तीपास हार गया, तो अब क्या कर सकते हैं मेरे लिहाज से। तब एडमंड एडमंड कुछ पहला मैच अच्छा और काफ़ी आराम से मुनार को हराया उसने, तो देखते हैं 4th राउंड में इन दोनों का मैच हो सकता है। और अगले क्वार्टर में केविन एंडरसन भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में लगा, और मैंने बोला था कि अगर पहला राउंड जीत जाएगा तो उसके बाद से आगे जा सकता है, तो 4th राउंड में मैंने रखा था एंडरसन को। और इधर से वारिंका को, वारिंका आउट नहीं हुआ है, तो काफ़ी लाइक मेरा जो क्या बोलते हैं हार्ट रेट बहुत तेज़ बढ़ जाता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस बार वारिंका जीते, मैं चाहता हूँ जो वो मतलब आप चाहते हैं ऐसा हमेशा होता नहीं है, लेकिन मतलब मैं चाहता हूँ। तो उसके बाद से प्रणजेश हार गया है, पहला जो सेट था उसका टाई ब्रेक में उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और उसके बाद से फिर रायोनिच का सर्व एंड वॉली मतलब कुछ कर नहीं पा रहा था, तो लेकिन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्राउड, और इंडिया का मतलब इंडिया को भी काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करना चाहिए, उसको डायरेक्ट एंट्री मिली थी उसके रैंक की वजह से, तो इट्स लाइक अ वेरी बिग थिंग फॉर हिम। और तो मैंने रखा था इस क्वार्टर में एंडरसन और स्टैन वरिंका को ना, तो अभी भी ये बरकरार है। और अगले क्वार्टर में कैचिनॉफ बटिस्टा गुट पेयर भी जीत गया है, और अगले क्वार्टर में जो आप क्वार्टर देख रहे हैं, मैंने पहले बात कर दिया था कि ज़्वेरेव हारेगा और हार गया यार, मतलब मैं दुखी, मतलब मैं बहुत अपने एम्बेरस्ड महसूस कर रहा हूँ, लेकिन हमको ऐसा लग रहा था कि वो हारेगा। तो और एक ये डार्सी उसका भाई भी मतलब बहुत बेकार परफॉर्म कर रहा है आजकल, कुछ मैच ही नहीं जीत रहा है। स्टीव डार्सी ग्रास कोर्ट पे अच्छा खेलता है, अच्छा क्या खेलता है, जो मतलब मेरी मेमोरी है कि उसने हराया था एक बार शायद नडाल को, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा खेलता है, लेकिन अगर आगे जाएगा तो मैच देखेंगे उसका भी।
फिलिपियानो लोपेस जीत गया है गिरोन, तो आई डोंट नो मार्कोस गिरोन कौन है, लेकिन इस ड्रॉ में मैंने अगूट और वेस्ली को रखा था शायद, आई डोंट नो। लेकिन आप लोग अगर सुन रहे हैं तो मतलब ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए कि जो मैंने बोला था कम से कम वो तो हुआ। बहुत कम आदमी ने प्रिडिक्ट किया होगा कि स्टैन वरिंका हार, सॉरी यार, बहुत कम लोगों ने प्रिडिक्ट किया होगा कि एलेक्जेंडर ज़ोरेव हार जाएगा, लेकिन मैंने प्रिडिक्ट किया था और सही हो गया वो। तो लाइक थोड़ा सा तो मतलब तारीफ के काबिल हैं हम। और उसके बाद से कल किसका किसका मैच है ये देख लेते हैं। तो कर्बर डिफेंडिंग चैम्पियन का मैच है, उसके बाद से रॉजर फेडरर, उसके बाद से सेरिना विलियम्स। तो इन तीनों में कर्बर और सेरिना विलियम्स, इन तीनों को मतलब थोड़ा दोनों को कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। रॉजर फेडरर इज़ लाइक बूस्टिंग विथ कॉन्फिडेंस, इसी वजह से तो उसने क्ले कोर्ट सीज़न खेला था। एश बार्टी फ्रेंच ओपन जीत गई है और उसके पास रिकॉर्ड बनाने का, एक तरीके से हिस्ट्री बनाने का है कि दोनों जीतने का, मतलब फ्रेंच ओपन और विमिल्डन। बहुत कम आदमी ने सेरिना और फिर स्टेफी ग्राफ, आई डोंट नो द थर्ड, आई डोंट नो, लेकिन उसके पास है। और एश बार्टी का गेम क्ले कोर्ट से ज़्यादा अच्छा ग्रास कोर्ट पे है, स्लाइसेस। और जोहाना कॉन्टा, उसको भी मैच चाहिए। राफेल नडाल, स्लोन स्टीवेंस, डोमिनिक थीम वर्सेस सैम क्यूरी। तो इतने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे देखने वाला होगा, एक नज़र रहेगी आपको डोमिनिक थीम वर्सेस सैम क्यूरी, दूसरी नज़र रहेगी निक क्यूरियोस को जीतना है क्योंकि परसों मैच देखना है नडाल वर्सेस निक क्यूरियोस। और फिर एक नज़र, आप तीसरी नज़र रखिए आप चिलिच वर्सेस मैनारिनो पे। और फिर मैच है आपको निशिकोरी का और सोंगा पर भी थोड़ा सा आप नज़र रख सकते हैं, लेकिन हमको लगता नहीं ऐसा कि वो बर्नार्ड थॉमिच से हारेगा। किकी बर्टेंस का भी मैच है, बलिंडा बेंचिच का मैच है, नवारो, टियाफो वर्सेस फोगिनी पर आप नज़र रख सकते हैं, जिल सिमोन। स्ट्रफ को मैंने रखा था फोर्थ राउंड में, तो स्ट्रफ पर मेरी नज़र रहेगी क्योंकि मैंने रखा था, प्रिडिक्ट किया था। और अगर वो जीत जाएगा तो मतलब मैं यहाँ आके बोलूँगा कि मैंने सही बोला था। और उसके बाद से कोई इम्पोर्टेंट मैच जिस पर आप नज़र रख सकते हैं, यहाँ पर आपको किस सबसे ज़्यादा, हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट मैच है, इम्पॉर्टेंट नहीं लेकिन आपको देखिएगा तो केनेपी से, तो मतलब उसका जो फिजिकल स्टैचर है ना, तो गजब का फिजिकल स्टैचर है उसका। और मैं बात कर रहा था अगर मैच की, तो वो क्रिश्चियन गार्लिन वर्सेस एंड्रे रूबलव के बारे में। और उसके बाद से इस पेज में और कोई मैच नहीं है जो मैं, और उसके बाद से ये वाले पेज में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैचेस हैं। डेनिस शापोवालोव खेल रहा है, पहली नज़र रखिए आप लुकास पोई, रिचर्ड गैस्केट, दोनों फ्रेंच। और उसके बाद से चिचेनाटो वर्सेस दिमुनार, इस पर भी नज़र, और भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये भी मैच है, एबडिन 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 वर्सेस शॉजमैन, टेलर फ्रिज वर्सेस थॉमस बर्डिच, एस्टोमिन वर्सेस कैमरन नॉरी। काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैचेस हैं। तो बस यही सब था आपसे कहने के लिए, और मैं कुछ भूल रहा हूँ कि नहीं भूल रहा हूँ? रॉजर फेडरर जीतेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ विमिल्डन जीतेगा, मतलब कल वाला मैच जीतेगा। और मेरी नज़र रहेगी बस निक क्यूरियोस जीत जाए मैच, और उधर से राफेल नडाल जीत जाए मैच, क्योंकि वो वाला मैच जीतने के लिए मतलब देखने का मन है मेरा। तो बस यही कहना था आपसे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आई विल सी यू इन द टुमारो, इन द नेक्स्ट वीडियो, क्या मतलब है टुमारो, बाय, टेक केयर।